अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोवी व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ लब्बी शीरे का सेकंड ऑप्शन। ये बहुत ज्यादा मजेदार रेसिपी है और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब चलिए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी आज हम बना रहे हैं लब्बी शीरे का सेकंड ऑप्शन की रेसिपी। और यहाँ पे जो था ना, मैंने दूध 1 लीटर के हिसाब से ये मैं सारा कुछ बनाऊंगी। और ये अम्मा की रेसिपी थी, तो मैंने अम्मा की रेसिपी को फुल कॉपी करने की कोशिश की थी। जिस दिन अम्मा ने आना था, तो अम्मा की दावत पे मैंने अम्मा को मियाऊँ किया था। तो यहाँ पर जो था ना, अब यहाँ पर मैं जेली को 2 कप पानी के अंदर उबलने के लिए रखा, लेकिन आपने 1 या 1.5 कप यूज़ करना ताकि जेली थोड़ी सी हार्ड रहे और लब्बी शीरे के मतलब जब मिक्सिंग वगैरह करते हैं तब उसके अंदर टूटे ना। और यहाँ पे मैंने पूरा पैकेट सेवियों को उबलने के लिए रख दिया था, लेकिन आपको सिर्फ इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच ही सेवियों के चाहिए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई सेवियाँ वगैरह बच जाती हैं, तो आप उसको ना नेक्स्ट डे दूध के अंदर कोई भी डब्बे वाला दूध लेके और उसके अंदर आलमंड सिरप यूज़ करें और सेवियों को उबाल लें, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सेवियाँ बनेंगी। खैर कोई भी सेवियाँ होंगी ना, तो उसके अंदर आलमंड सिरप यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। और यहाँ पर जो था ना, मैंने कस्टर्ड पकने के लिए रख दिया है। और इसको भी गाढ़ा रखना है आपने, ताकि ये मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो तो फिर ही मज़ा आएगा। नहीं तो जब सारी चीज़ें मिक्स होंगी ना, क्योंकि फ्रूट्स का भी अपना पानी होता है, वो छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाद, तो फिर ना वो फिर मज़ा नहीं आएगा उस तरह से। तो आपने इसके अंदर कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी को गाढ़ा रखना है। इसके अलावा ये था कि मैं यहाँ पे जो थी ना, ये नूडल्स, ये मतलब सेवियाँ, तो इनको मैं एक दफ़ा पानी से निकाल दूँगी। ये नूडल्स हों या खैर सेवियाँ, उसको एक दफ़ा पानी से निकाल दें, फिर वापस में जुड़ती नहीं है और टूटती नहीं है खोलते हुए भी ना। तो अब इसको ड्रेन होने के लिए रख दिया ताकि एक्सेस पानी इसके अंदर से निकल जाए। और यहाँ पर मैं जो कस्टर्ड है उसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बस पकने ही वाला था। और मीठा आपने ठीक ठाक रखना है, मीठा और मीठा ना हो तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का। तो इसको अच्छी तरीके से मीठा ही रखना है, तो बाकी आपके टेस्ट के हिसाब से होगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको जेली को ठंडा होने रख रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल, जो सारे फ्रूट्स काटे हुए थे वो रखे हुए थे, और मैंने फ्रूट कॉकटेल को ठंडा होने के लिए रख देना है, लेकिन जो इसका पानी है वो निकाल देना है। बेशक आप इसको ड्रेन होने रख दें ताकि इसका पानी एक्सेस जो है वो उसके अंदर लब्बी शीरे के अंदर ना जाए, लेकिन मुझे क्योंकि जल्दी थी तो फिर मैंने इसलिए इकट्ठे करके ऐसे ही रख दिया था। तो लेकिन आपने खैर इसको एक दफ़ा ड्रेन ज़रूर करने लेना है। और जो पानी इसका मैंने निकाला था ना, लेदा फ्रूट कॉकटेल का, वो इस तरह था कि आप उसको किसी भी क्रीम केक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा पानी आप उसका फ्रिज में ना रखें, फिर उसके बाद वेस्ट कर दें। और यहाँ पे अब जो थी ये सेवियाँ जो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली हैं, अब मैं इसके अंदर फ्रूट ऐड कर रही हूँ। और अम्मा ने तो हर तरह का फ्रूट ऐड किया था, बहुत ही मज़ा आया था ना, मतलब अम्मा वाली का। तो उसके अंदर अम्मा ने अशरफियाँ डाली थी, ड्राई फ्रूट भी, मतलब पूरे पूरे डाले थे, तोड़ के नहीं डाले थे। मैं अब आप आगे देखें, मैं उसके अंदर तोड़ के डालूंगी। तो अम्मा ने तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी पूरे पूरे डाले थे, तो वही बात होगी ना, जितना गुड़ पाओ उतना मीठा वाला हिसाब किताब था। तो जो जो मेरे पास अवेलेबल था उस दिन मैंने ये सारा कुछ डाल दिया था। तो पहले मैंने सोचा था कि फ्रूट कॉकटेल के अंदर ना बस क्रीम का पैकेट ऐड करूँगी, तो इंस्टेंट सा मीठा बन जाएगा और मतलब फिर इस तरह करके मतलब इस हल्की फुल्की सी स्वीडिश हो जाएगी, साथ आइसक्रीम हो जाएगी। तो फिर मैंने फिर जब देखा कि मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो फिर मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। तो फिर मैंने यही बना लिया। और जितने मेरे पास बादाम वगैरह थे, वो मैं अब डोई से कूट रही हूँ, और वो मैं इसके अंदर इसी तरह ऐड कर दूँगी, कुछ बीच में डाल दूँगी, कुछ ऊपर डाल दूँगी। तो लेकिन मैं वही बता रही हूँ ना कि इसके अंदर पूरे पूरे होल ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, और ये मतलब ब्लैक करंट्स थे वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली है इसकी। और बस ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, बहुत देर हो गई है जब अम्मा की दावत थी, तो बस रह ही गई, क्योंकि जो जून का लास्ट वीक होता है ना, उसके अंदर मेरी, मेरे भाई की, मेरी बहन की और मेरे भांजे की सालगिरह होती है, तो हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, समझ नहीं आती कभी कभार कि कौन किसको विश करे। तो बस वहाँ से उसकी सालगिरह से, 7 की सालगिरह से मैं आपकी आई थी, तो फिर मैंने कहा कि जी इंट्रो बना लेते हैं इस वीडियो का, तो फिर मैंने इसका वीडियो का इंट्रो बना लिया था। और इंशाल्लाह 7 की सालगिरह का भी व्लॉग मैं आपके साथ कोई शेयर करूँगी। उसके अलावा यह था कि मैं इसकी गार्निशिंग वगैरह कर रही थी, जैसे मेरे से हुई हल्की फुल्की सी, तो बस वैसी कर ली मैंने। और बस ये अब इसके साथ ना मैं आपके साथ एंड पे शेयर करूँगी जो अम्मा ने लब्बी शीरे बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। और उसका भी जो लिंक है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, दावत का। खैर जिस दिन अम्मा ने दावत की थी उस दिन अम्मा ने बनाई थी, सिर्फ दावत का लिंक है उसके अंदर, मतलब रेसिपी का लिंक नहीं है। और बस ये था कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं इसके अंदर, लेकिन अगर आप थोड़ी चीज़ों के अंदर बनाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था। और बस ये देख लें आप कैसा लग रहा है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।